नमस्कार, मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर, वक्त तो चला है हलचल इंडिया पर आज की बड़ी खबर का। बागपत में युवक ने पंखे से फांसी लगाकर की आत्महत्या। पारिवारिक कारणों से युवक ने की हत्या। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मुजफ्फरनगर के गांव रही स्थित प्राचीन शिव मंदिर में भगवान शिव की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन किया गया। गांव में निकाली गई शोभा यात्रा। मुजफ्फरनगर के शुक्र तीर्थ से गंगा चाय यमुने प्राकृतिक संरक्षण यात्रा का हुआ शुभारंभ। साधु संतों ने मंत्र उच्चारण के उपरांत किया यात्रा को रवाना। उत्तर प्रदेश में 30 दिवसीय मास्क चेकिंग अभियान का उत्तर प्रदेश पुलिस ने किया खंडन। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मुजफ्फरनगर इकाई द्वारा चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय कुलपति के नाम जिला प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। यूपी के बुलंदशहर में नहर में बहकर आया अज्ञात शव। खानपुर थाना क्षेत्र के गांव कांच रोड नहर के पुल के पास मिला अज्ञात शव। पुलिस शिनाख्त में जुटी। कोयला घोटाला और पशु तस्करी मामलों में कोलकाता, आसनसोल समेत कई जगहों पर की छापेमारी। मुजफ्फरनगर की खतौली पुलिस ने थाने के टॉप 10 अपराधी पारुल को किया गिरफ्तार। तमंचा और बाइक बरामद। मंडी चौकी प्रभारी अशोक चौधरी और उनकी टीम को मिली सफलता। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के विरोध में साइकिल से सचिवालय पहुंचे तेजस्वी यादव। किसान मोर्चा देगा आंदोलनरत किसानों को मिले नोटिस का जवाब। पुलिस गिरफ्तार करने आए तो घेरने का आह्वान। भदोही में जमीनी विवाद को लेकर हुआ खूनी संघर्ष, 10 लोग हुए घायल। ब्रिटिश कोर्ट के नीरव मोदी के प्रत्यर्पण को दी मंजूरी। ब्रिटेन के अधिकारियों से जल्द समझौता करेगी भारत सरकार। मेट्रोमैन श्री धरन औपचारिक रूप से भाजपा में हुए शामिल। बोले, यह जीवन का सबसे महान क्षण है। मुकेश अंबानी के आवास एंटीलिया के पास मिली जिलेटिन के बीच छड़े। मुंबई पुलिस कर रही जांच। बालाकोट एयर स्ट्राइक के 2 साल पूरे। राजनाथ सिंह ने IAF के अभूतपूर्व साहस और शौर्य को किया सलाम। ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से की मुलाकात। निवेश की संभावनाओं पर हुई चर्चा। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत का शानदार आगाज। दूसरे दिन ही इंग्लैंड को 10 विकेट से हराया। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 1000 अंक से अधिक फिसला। निफ्टी 14900 अंक से नीचे। कोलकाता में ममता बनर्जी की महारैली। शरद पवार, अखिलेश, KCR समेत कई नेता कर सकते हैं शिरकत। डीएम के कांग्रेस गठबंधन में अंतर विरोध। तमिलनाडु में सुशासन नहीं दे सकते हैं पीएम मोदी। मुख्यमंत्री चौहान की मध्य प्रदेश की जनता से अपील। बोले, वे महाराष्ट्र की यात्रा से बचें। कोकीन के आरोप में गिरफ्तार पामेला गोस्वामी का दावा। राकेश सिंह ने मुझे फंसाने की रची साजिश। देश में कोरोना के मामलों में फिर आई उछाल। 16577 नए मामले दर्ज। CCS यूनिवर्सिटी की MJMC टॉपर अपर्णा त्यागी को मिलेगा अतुल माहेश्वरी स्वर्ण पदक। राज्यपाल आनंदी बेन पटेल 9 मार्च को देगी पदक। शामली की झिंझाना पुलिस और SDF मेरठ की संयुक्त टीम ने लाखों की शराब के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया।